आज है सितंबर की 24 तारीख, अक्टूबर अब कुछ ही दिन दूर है और ये हमारे एडेनियम्स के अब लीव्स पीले पड़ रहे हैं और पीले पड़ के झड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि किस प्लांट की हमको प्रूनिंग करनी है और किसको हमें फर्टिलाइज़र देना है ताकि ये विंटर के लिए रेडी हो सके और हमारे पास अभी अक्टूबर एंड तक का टाइम है कि हम इसमें फ्लावरिंग भी ले सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना ये काम। और मैं बताता हूँ आपको कि सितंबर और अक्टूबर में एडेनियम पे ऐसे क्या काम करें जो ये हेल्दी रहे और अच्छी फ्लावरिंग भी कर सकें। सबसे पहले आपको बात करूंगा वाटरिंग की। मॉनसून अभी ख़त्म हुआ है, मैंने अपने प्लांट्स बाहर ही रख रखे थे इस बालकनी में पूरी और इनको मॉनसून का अच्छा रेन वाटर मिला है। तो अब इन प्लांट्स को उनकी आदत हो गई है, जिसकी वजह से देखिए जो इनके लीव्स हैं वो काफ़ी ग्लॉसी हो गए हैं, काफ़ी हेल्दी है लीव्स। जब से मानसून शुरू हुआ है मैंने इनमें कभी एक बार भी पानी खुद से नहीं दिया है, जो भी पानी बारिश का इस पर गिरा है सिर्फ वही उसी पर हैं ये। अभी रेनी सीजन ख़त्म हो गया है बिल्कुल, तो अब मुझे अपना दोबारा से स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, दोबारा से इनकी मिट्टी चेक करनी पड़ेगी और तब इनमें अब पानी देना पड़ेगा। आपको अपनी मिट्टी चेक करनी पड़ेगी, अभी वो काम ऑटोमेटिक नहीं रहा है कि मानसून का पानी इन पर गिर रहा है। देखिए जैसे इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और मैंने इसको पानी नहीं दिया है और अभी मैं इसको पानी दूंगा भी नहीं। अब मैं इसमें जितना पानी दूंगा उतने इसके लीव्स बढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि इसके लीव्स में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी फ्लावरिंग ले सकूँ, तो उसके लिए मुझे वाटर कट करना पड़ेगा। तो मैं वाटर थोड़ा कट करूँगा और जब बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी ये सॉइल इसको मैं तभी पानी दिया करूँगा। तो वाटरिंग में आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको पता ही है जो रेन वाटर होता है उसकी जो ड्यूरेस वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है वो प्लांट के लिए। जो हमारे घर में टैप वाटर आता है उसकी जो ड्यूरेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेस मतलब कि उसमें जो सॉलिड्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से आपके प्लांट पे देखिए ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है अगर आप टैप वाटर डालते हैं। लेकिन रेन वाटर में ऐसा रही है, रेन वाटर की पीएच जो वैल्यू होती है ट्रीडेस वैल्यू होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं इतने ऐसा प्लांट को चाहिए। तो ये प्लांट अभी उसके यूज टू हो चुके हैं इन एक डेढ़ महीने में। देखिए ये आरओ वाटर है, तो कुछ दिन तक आप ट्राई कीजिए कि इसमें आरओ वाटर ही यूज़ करें। धीरे धीरे फिर उस आरओ वाटर में उसमें हाफ क्वान्टिटी फिर आप टैप वाटर डालिए और फिर फुल आप अगर चाहे तो टैप वाटर डाल सकते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे एडेनियम को यूज टू करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, काफ़ी छोटी मिस्टेक है लेकिन आपके प्लांट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। दूसरी मैं बात करूँगा वो है सनलाइट की। तो मानसून में देखिए बादल होने की वजह से इनमें सनलाइट बहुत ही अनइवन पड़ रही है और जिसकी वजह से मैं इनमें इतनी फ्लावरिंग भी नहीं ले पाया। तो सिर्फ मेरा एक ये प्लांट है, मुझे इस पर फ्लावरिंग मिली, देखिए इस वाले पर फ्लावरिंग आई थी और फ्लावरिंग भी इतनी हैवी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आई हो। एक दो तीन फ्लावर्स आए थे इस एक स्टेम में और उसमें हर एक स्टेम में थे फ्लावर, लेकिन उतना नहीं थे। तो ये मेन कारण ये था कि इस पर धूप कम मिली इनको 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। मेरे जो ये एडेनियम्स हैं ये सनलाइट डेफिशिएंट थे कि मैं इनको अभी इधर ही रखूँगा, यहाँ पर सुबह की धूप आती है बढ़िया, 3-4 घंटे की धूप इनको मिल जाएगी। बाकी सनलाइट इनको अब मैं चाहता हूँ कि इनको अच्छी सनलाइट प्रॉपर सनलाइट मिले, क्योंकि हमारे पास अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्लाउड्स की। अगर आपने रेन से बचने के लिए ये प्लांट्स थोड़े सेमी शेड में रख दिए थे या अंदर रख दिए थे कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बारिश का पानी ना सकता हो, तो इनको आप बाहर निकाल लीजिए, अब इनको खुली धूप में रखिए। अब ये टाइम है इनकी फ्लावरिंग करने का, सिर्फ 1 महीना है, अक्टूबर एंड तक ये अच्छी फ्लावर कर सकते हैं अगर इनको अच्छी केयर मिले। और अब देखिए जैसे जैसे विंटर आ रही हैं, जो सन की लोकेशन है जहाँ पर पहले धूप आती थी वहाँ पर अब धूप हटकर कहीं और आएगी, तो उसका भी आप ध्यान रखें और देखें कि कहाँ पर धूप अच्छी आएगी ताकि आप इन प्लांट्स को उस तरीके की धूप दे सकें और उस तरीके की लोकेशन में इसको रख सकें। और रिपोर्टिंग से पहले मैं आपको बात कर लूँ ये पीले पत्ते की। बहुत लोगों के जो एडेनियम्स हैं उनमें ये हो रहा होगा कि पत्ते पे ऐसे पीले पड़कर झड़ रहे होंगे और ब्राउन हो रहे होंगे। देखिए जो मेरे इसमें कारण है वो है कि जो इसका पॉट है ये काफ़ी छोटा है, अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है तो मुझे इस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। शायद आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन इस पॉट का शेप बिल्कुल चेंज हो गया है ये, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो फैलने लगी हैं अब, जिसकी वजह से इसमें देखिए पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से इसके जो लीव्स हैं वो झड़ने लग रहे हैं। और अगर आपके पत्ते से पीले पड़ रहे हैं नीचे वाले तो वो एक कॉमन फिनोमिना है, उसमें आप टेंशन ना लें कि अभी फॉल है तो जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़कर गिरते ही हैं। अगर आपको लगे कि कुछ एडेनियम्स में पीले पत्ते पीले पड़कर गिर रहे हैं और कुछ में ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी पॉट को सबसे पहले चेक कीजिए। देखिए ये है दूसरा एग्जाम्पल, इसमें देखिए पॉट भी देखिए काफ़ी छोटा है इस प्लांट के लिए और इसकी आप रूट देख पा रहे हैं कैसे प्लांट भी रूट बाउंड है, को भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। ये दो प्लांट हैं जिनको मैं रिपोर्ट करूँगा।
और पत्ते पीले पड़ने का कारण सिर्फ अंडर वाटरिंग नहीं है, ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है कोई इसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो। मैं इसको रिपोर्ट करूंगा अभी, तो उसमें मैं चेक करूंगा और उसकी रूट्स को चेक देखूंगा, रूट्स रॉट तो नहीं हुआ है, और सब उसको ठीक करके फिर इसको नया पॉट दूंगा। आखिरी टाइम है अपने एडेनियम के प्लांट है, कोई भी प्लांट है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ठंड शुरू हो जाएंगी और ये प्लांट डोरमेंट हो जाएंगे। तो अगर आप डोरमेंसी में इनको रिपोर्ट करोगे तो आपको इनको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी अच्छी देनी पड़ेगी, इनको उस तरीके का कंडीशन देना पड़ेगा, कंट्रोल्ड क्लाइमेट देना पड़ेगा, तो वो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये बिल्कुल आखिरी महीना है, अक्टूबर 15 या अक्टूबर एंड तक आप ये काम निपटा लीजिए रिपोर्टिंग का। ये 2-3 पॉट है जो मुझे रिपोर्ट करने हैं, तो ये एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि अगर आपके प्लांट को चेक कीजिए एंड उसको आप अगर आप उसको प्लांट को रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्टिंग कीजिए। तो ये रही टेबल जहाँ मैं करता हूँ रिपोर्ट्स, ये रहे मेरे एडेनियम जिनको रिपोर्ट करना है, और ये रही पॉटिंग मिक्स जिसमें मैं इनको रिपोर्ट करूँगा। एडेनियम की पॉटिंग मिक्स में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे आप, ये है देखिए बड़ा पार्टिकल है, अगर आपके पास रेत नहीं है तो रेत आप इससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें। ये है नीम खली, ये है लीफ कंपोस्ट, ये है होममेड किचन में गार्डनिंग वेस्ट कंपोस्ट, और ये है प्यूमाइस। तो काफ़ी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है हमको, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, तो वो सब देखिए एक ये अच्छा मिक्सचर है उन सब चीज़ों का। मैं 2 तरीके के पॉट ले रहा हूँ, एक है ये 3 इंच का है और ये 6 इंच का पॉट है, 2 इंच के पॉट में थे, इनको मैं डालूंगा इस 3 या 3.5 इंच के पॉट में, बड़ा वाला है 4 इंच का, उसमें 6 इंच में डालूंगा। तो जब भी आप चेंज करें तो 2 इंच बड़ा पॉट लें। और मेरे पास देखिए एक और है, ये जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें ये प्लांट भी टूट कर गिर गया था, लेकिन मुझे दिखा नहीं है, तो इसको भी रिपोर्ट करेंगे। यह रही हमारी पॉटिंग मिक्स। तो अब आप अपने एडेनियम को कितना भी पानी दीजिए वो कभी ना रूट रॉट से मरेंगे और ना ओवर वाटरिंग। इसकी रूट सिस्टम कितना ज़्यादा हो गया था इस पॉट के लिए, इस प्लांट की जो लीव्स थी वो येलो होकर गिर रही थी, देखिए कितना बढ़िया इसका कोडेक्स फॉर्म हुआ है, प्लांट हमारा रेडी। तो जो एडेनियम का प्लांट होता है वो काफ़ी टॉलरेंट होता है रिपोर्टिंग के, बहुत ही रेयर केस में इसको ट्रांसप्लांट शॉक लगता है, तो अगर इसकी एक आध अगर रूट्स टूटती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, ये प्लांट आपका अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। ये रही हमारे रिपोर्टिंग डन प्लांट्स की, जिन जिनको रिपोर्टिंग चाहिए थी इस सीज़न, आई होप ये अच्छी तरह से मैनिटाइज करें और अच्छी तरह ग्रो करें। और चौथा है प्रूनिंग, मैं प्रूनिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रिमिंग की नहीं। प्रूनिंग का मतलब है जो भी आपके इसमें डेड लीव्स हैं प्लांट में, या डेड स्टेम है, या डेड फ्लावर्स हैं, उनको सिर्फ रिमूव कर दीजिए, आपको सिर्फ प्लांट को क्लीन करना है, बाकी यहाँ से ऐसे काटना नहीं है, वो काम अभी नहीं करेंगे। मैं यूजली उसको जनवरी एंड या फरवरी में करता हूँ। प्रूनिंग अभी नहीं करेंगे आप, क्योंकि अभी डोरमेंट पीरियड में जा रहा है, और अगर प्रूनिंग कर देंगे इसको तो ये प्लांट एक्स्ट्रा शॉक में चला जाएगा और नई स्टेम्स निकलेंगी, लेकिन विंटर्स आते ही वो नई स्टेम डोरमेंट हो जाएंगी। ये बिल्कुल आखिरी टाइम है अपने प्लांट को बिल्कुल क्लीन करने का। और देखिए ये एक प्लांट है, इसमें अभी देखिए मुझे लगता है फ्लावरिंग आएगी, मैंने इसके फ्लावर्स नहीं देखे हैं। मैं इस प्लांट को नैनीताल से लाया था, लाते वक्त इसमें देखिए हाँ स्टेम थे वो टूट गए। ये देखिए एक ग्राफ्टेड प्लांट है, यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग हुई है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, वो फर्टिलाइजर में देखिए मैं यूज़ करूँगा ये 0050, मतलब देखिए इसमें 0050 है, नाइट्रोजन की 0, फॉस्फोरस की 0, लेकिन पोटास 50 है, तो इसमें पोटास है पूरा, तो ये हेल्प करेगा फ्लावरिंग बूस्ट में। कि इसका यूज अपने सॉइल में भी कर सकते हैं, सॉइल मिक्स में भी कर सकते हैं, या फॉइलर स्प्रे कर सकते हैं। जो अभी बेनिफिशियल होगा इस वक्त वो है फॉइलर स्प्रे, ताकि ये प्लांट डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर पाए। अगर आप रूट में डालेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है और वो असर कम दिखाता है, और हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीने का समय है। तो इसका यूज आप हर 2 हफ्ते में कीजिए, मतलब 1 महीने में हमें सिर्फ ये फर्टिलाइजर सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है इस सीज़न में, और फिर हम ख़त्म कर देंगे। अभी आप बॉनवील उर्वरक का यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि बॉनवील अगर आप डालेंगे तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा डिजॉल्व होने में, 1-1.5 महीना उसको लगेगा आपके प्लांट तक पहुँचने में, तो जब तक सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो आई थिंक वो आइडिया नहीं है। तो बेस्ट है कि आप किसी भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए और उसको स्प्रे कीजिए अपने लीव्स पर। तो चलिए आपको क्वांटिटी बता देता हूँ, मैं ले रहा हूँ 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम है, और ये 1 लीटर के बोतल में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगा, मैं नहीं चाहता कि इसमें ओवर मैं फर्टिलाइजिंग कर दूँ। तो देखिए जो आप ये स्प्रे करेंगे इसको आप शाम को शाम में करें या ऐसी जगह पर करें जमीन में धूप ना पड़ रही हो।
तो फर्टिलाइजर देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करता हूँ, सिर्फ ये 0050 है। अगर मेरे प्लांट में फ्लावरिंग आए ना आए उससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे प्लांट हेल्दी रहें और उसमें कम से कम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ कम से कम करूँ। तो इसलिए मैं अपनी पॉटिंग मिक्स काफ़ी अच्छी बनाता हूँ, इसमें पहले ही बॉर्नविल डाल देता हूँ या ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें पोटाश ज़्यादा हो, या अपना सबसे इम्पोर्टेंट अपना होममेड फर्टिलाइज़र जिसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैं उसमें बनाना पील ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो बनाना पील आप भिगोकर रख के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी फंगस वगैरह का डर रहता है, इसलिए मैं उसको फिर से उसका मैं फर्टिलाइज़र ही बनाता हूँ। तो नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो है इसमें गुड़ाई करना ठीक से। तो देखिए, जैसे जैसे इस पर बारिश का पानी पड़ा है अभी और लगातार पड़ा है, जिससे इसकी जो ऊपर की लेयर है वो काफ़ी सख्त हो गई है, एयर सर्कुलेशन अब कम हो गई होगी, क्योंकि ये देखिए कितनी सख्त है इस ऊपर की जो लेयर है। तो इसको आप से गुड़ाई करके इसको ऊपर से भुरभुरा बना लें, तो एयर सर्कुलेशन इस प्लांट में अच्छी बनी रहे, इसमें जब आप पानी डालेंगे वो भी अच्छी तरह नीचे सीप हो सके, अच्छी तरह नीचे जा सके और नीचे रूट्स को लग सके। अदरवाइज क्या होगा, ज़्यादा सख्त है जो पानी है वो ज़्यादा देर तक ऊपर ही रहेगा और इवोपरेशन से ज़्यादा पानी वो उड़ जाएगा, प्लांट को कम लगेगा। जो ये गुड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी ऐसी सॉइल में पड़ेगी या जिस क्ले सॉइल ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ऐसी भुरभुरी सॉइल बनाएंगे, देखिए ये गुड़ाई आपको कम करनी पड़ती है पूरी साल। तो देखिए, ये थी केयर सितंबर और अक्टूबर की जो आप अपने एडेनियम में कर सकते हैं। तो अच्छी वाटरिंग का ध्यान रखें, सनलाइट अच्छी प्रॉपर दें, फर्टिलाइज़र अब आप दो ही बार दीजिए इसमें हर 15 दिन में 0050। अच्छी कंडीशन अगर आप इसको देंगे, अच्छी सनलाइट देंगे, तो ये प्लांट अपना आप ग्रोथ करेगा और ज़्यादा इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर इंसेक्ट्स मैंने कभी किसी एडेनियम में नहीं देखे हैं। तो बिल्कुल ईजी टू ग्रो प्लांट है और फ्लावर्स इसके इतने आपको पता ही है कितने सुंदर लगते हैं। फिर जैसा ही अक्टूबर ख़त्म होगा और नवंबर में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको दिसंबर में हेल्दी रख सकते हैं, ताकि ये जनवरी और फरवरी मार्च में ये अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड कीप गार्डनिंग।